चलिए जी, सो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू 11.2 एनर्जी। सो लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग, वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस, मैनी ऑफ आर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन। We can also get energy from the nuclei of the atoms, the interior of the earth and the tides. Can you think of other sources of energy? So, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है कि जो लाइफ है वो एक मतलब जो लाइफ है वो एनर्जी के बिना इम्पॉसिबल है, ठीक है? यानी कि अगर हमें लाइफ चलानी है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। एनर्जी के बिना हम अपनी जिंदगी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग, जो एनर्जी की डिमांड है वो इंक्रीज हुए जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी। सो वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, एनर्जी हम कहाँ कहाँ से लेते हैं? अगर हम बिगेस्ट नेचुरल सोर्स की बात करते हैं तो वो तो है सन, ठीक है? अब देखो जो सन है वो किस किस चीज को एनर्जी देता है। सन फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स में जो फूड है वो बनाता है, उसी प्लांट को बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, ठीक है? तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है? सन। देन इसके बाद सॉइल फॉर्मेशन में सन का काम होता है, ठीक है? देन इसके बाद सोलर पैनल्स अगर हमें बनाने हैं, यानी कि अगर हमारे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसमें भी हमारे को सन चाहिए, ठीक है? अगर हमें सोलर कुकर से खाना बनाना है तो भी हमें सन चाहिए, ठीक है? अगर हमें सोलर वाटर गीजर्स चाहिए तो उसमें भी हमें सन चाहिए। तो सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है? सो मेनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन। जैसे कि अभी मैंने बताया, बहुत सारी जो हमारी एनर्जीज होती है, चाहे वो पेट्रोलियम है, कोल है, फॉसिल्स है, फूड है हमारा, वो सारे के सारे सन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही डिराइव हुए हैं। वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, ठीक है? जो न्यूक्लियाई ऑफ द एटम है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बॉडी के अंदर एटम्स है, ठीक है, सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है, सेल्स के अंदर एटम्स है। हमारे शरीर के अंदर भी प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा होता है ना कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमें करंट लगता है, है ना? वो क्यों लगता है? वो इसीलिए लगता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी चार्ज है, ठीक है? वी बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट इस वजह से, ठीक है? हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, सुना कभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? नर्वस सिस्टम सुना है? नर्वस सिस्टम, या नर्वस सिस्टम सुना? सो हमने वो चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने एक नर्व सेल ड्रॉ किया था जिसमें एक्सॉन था, डेंड्राइट, है ना? सो वहां पे वो जो पूरी की पूरी बॉडी होती है, वो जो पूरा का पूरा नर्व सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है? तो उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है वो ट्रेवल कर रही होती है। केमिकल इम्पल्सिस भी होती हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भी होते हैं, ठीक है? सो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी एनर्जी है। जो हमारे अर्थ का इंटीरियर है उसमें भी एनर्जी है, ठीक है? और जो टाइड्स होती हैं उनमें भी एनर्जी होती है। कौन सी? टाइडल एनर्जी होती है उनमें, ओके? सो कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी? और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो सकती हैं। हाँ जी, एनी आइडिया? कोई ऐसी सी एनर्जी जो कि आप लोग ऐड करना चाहो? जैसे यहाँ पे सोलर एनर्जी के बारे में बता दिया, अर्थ के इंटीरियर में एनर्जी है, एटम्स ऑफ न्यूक्लियाई जो है उनमें है, टाइड्स है, इसके अलावा कोई एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं हम? वेव एनर्जी, ठीक है, ये भी एक टाइप की एनर्जी होती है, वेव एनर्जी। विंड एनर्जी, विंड मिल्स, है ना? और कोई एनर्जी आपके माइंड में? ओशन थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियो एक्टिव एनर्जी,
बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, ठीक है। सो ये सारी की सारी जो एनर्जीज होती हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से ही इन्फ्लुएंस्ड होती है। सो अब हम करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी 11.5। अ फ्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड अबव, देयर आर मेनी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लिस्ट देम। तो ये तो मैंने आपको बता दिए बहुत सारे, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी बता दी, वेव एनर्जी बता दी, ओशन थर्मल एनर्जी बता दी, जियो थर्मल एनर्जी बता दी, ठीक है। सो डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स हाउ सर्टन सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आर ड्यू टू द सन। वो मैंने आपको भी बताया कि जितनी भी एनर्जीज है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से ही रिलेटेड है। आर देयर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू सन, कुछ ऐसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो कि सन की वजह से ना हो? सो नहीं, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी फिनोमिना हैं हमारे अर्थ में एनर्जी से रिलेटेड, वो सारे के सारे सन से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। सन ही उनका अल्टीमेट सोर्स है। चलिए देन इसके बाद, द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज इन आर डेली लाइफ बट इन साइंस वी गिव इट अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। Let us consider the following examples. When a fast-moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when raised to a certain height gets the capability to do work. अब यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि हम day-to-day life में energy word को बहुत ज़्यादा use करते हैं, लेकिन science में उसकी एक definite और precise meaning, precise का मतलब होता है accurate meaning जो है, वो उसका आप लोगों को बताया गया है। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हमें पहले पढ़ने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि अगर एक स्टेशनरी विकेट हो और उस पर फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आके हिट करे, तो जो विकेट होती है वो दूर की तरफ गिर जाती है, ठीक है, थोड़ी सी दूर गिर जाती है। सिमिलरली अगर एक ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट तक ले जाएं तो उसमें भी कुछ काम करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। सो इन दोनों केसेस में ही क्या हो रहा है, इन दोनों ही केसेस में हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस के बारे में, जहां पे जो एक फास्ट मूविंग बॉल है वो स्टेशनरी विकेट को वो उसको मूवमेंट में लेके आ रही है, ठीक है। सो इट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, इट्स मूवमेंट, है ना। अगर बॉल मूव ना कर रही हो और हम उसको सिर्फ विकेट के साथ रख दें तो क्या कोई असर पड़ेगा? नहीं। लेकिन जब बॉल मूव करती है तब उसमें एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से जो विकेट है वो उसको थ्रो कर पाती है, ठीक है। सेम वेज हमने यहां पे कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को अगर हम हाइट देंगे तो उसमें वर्क करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि एक एक सैंड हीप है, समझते हो सैंड हीप क्या होता है? सैंड का एक छोटा सा पहाड़, ठीक है, कितना छोटा सा, आप लोगों के नीज जितना, ठीक है, सिर्फ इतना छोटा सा, ओके। और उसके ऊपर, ठीक है, सैंड हीप की जो टिप है उसके ऊपर हमने एक ब्रिक रखी हुई है, ठीक है। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, उस ब्रिक को उठा के हम लेके जाते हैं अपनी छत पे और उस छत से हम उस ब्रिक को सैंड हीप के ऊपर गेर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा इंपैक्टफुल कौन सी सिचुएशन होगी, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? फर्स्ट, सेकेंड, सॉरी, सेकेंड वन। हाँ जी अनुषा, सेकेंड वन। हाँ जी रिया, सेकेंड। सेकेंड, बाय रिया, बाय सेकेंड सर, क्योंकि वो टॉप से गिर रहा है। देन इंपैक्टफुल क्यों है? फिर ज्यादा एनर्जी लगेगी जब वो टॉप से डाउन गिरेगा। आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो आप, मतलब मैं तो समझ गया क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना है, तो मैं आपकी बात तो समझ गया, लेकिन आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। हाँ जी अनुषा, व्हाई डू यू थिंक के सेकंड सिचुएशन ज्यादा इंपैक्टफुल क्यों है? स्पीड की वजह से। ओके, स्पीड की वजह से। हाँ जी अंश, व्हाट डू यू थिंक व्हाई सेकंड सिचुएशन इज मोर इंपॉर्टेंट? उसमें एनर्जी ज्यादा आ जाएगी ऊपर से नीचे। होगा क्या, रिजल्ट क्या, हमें कैसे पता लगेगा कि ये ज्यादा इंपैक्टफुल है? सर वो सैंड की टूट जाएगी, सैंड की हीप टूट जाएगी।
मतलब नीचे बिखर जाएगी। हाँ वेरी गुड। देखो जब आप लोग ब्रिक को फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं कि हमने जो सैंड हीप है उसके ऊपर ब्रिक रखी हुई है, ठीक है, सो जो सैंड हीप है उसमें हल्का सा डिप्रेशन आएगा, ठीक है, बट वो बहुत ही हल्का सा होगा, कोई बहुत ज्यादा ह्यूज जो डिप्रेशन है वो नहीं होगा। लेकिन जब हम उसको छत से गिरेंगे, ठीक है, जैसे हम उसको सैंड हीप के ऊपर गिरेंगे, सैंड हीप में डिप्रेशन बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, जिसको आप छापा बोल दो ना, छाप बोल दो ना जिस चीज को, ठीक है, उसको डिप्रेशन या फिर इंप्रेशन बोलते हैं। अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको इंप्रेशन बोलते हैं, कोई चीज नीचे की तरफ जाते हैं तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। सो जो ब्रिक है वो सेकेंड सिचुएशन में सैंड हीप में डिप्रेशन ज्यादा क्रिएट कर पाएगी, इसलिए वो ज्यादा इंपैक्टफुल सिचुएशन है, ठीक है जी, क्लियर है। सो सेकेंड केस में इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी अनुषा, इट इज बिकॉज ऑफ द हाइट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रिक को हाइट दे दिया, हमने ऐसा नहीं किया कि ऊपर से जब हमने ब्रिक को गेरा तो हमने यू नो यू करके फिर ऐसे करके गेरा, ऐसा नहीं है, ओके, तो हमने हम सीधा ऊपर गए और हमने उसको नीचे खेल दिया, ठीक है, सिर्फ इतना सा किया है। तो जो डिप्रेशन है वो जो हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ हाइट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, ऑब्वियसली उसमें एक वेलोसिटी है, बट उसमें ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हाइट का है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन अ व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन अ नेल placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. So, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमें किसी wood में nail को penetrate करना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम hammer को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, फिर नीचे की तरफ लेके आते हैं, ठीक है? यानी कि हम hammer से nail को beat करते हैं। जब हम nail को beat करते हैं, तो जो wood होती है, उसके अंदर जो nail है, उसकी पियर्सिंग या फिर उसकी पेनिट्रेशन हो जाती है। We have also observed children winding a toy such as a toy car, and when the toy is placed on the floor, it starts moving. So ये भी हमने चीज देखी है कि toy cars जो होती हैं उनमें वो ना you know वो जो चाबी वाली toy cars होती हैं, ठीक है, कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, वो टॉय को वाइंड कर देते हैं, ठीक है, वाइंड कर देने का मतलब जो चाबी है उसको घुमा देते हैं, ठीक है, फिर जैसे ही चाबी छोड़ते हैं और उस कार को रख देते हैं फ्लोर पे, तो वो जो कार है वो मूव करने लगती है ना। सो ये भी एक काइंड की एनर्जी है। देन इसके बाद व्हेन अ बलून, हाँ जी अंश, कोई डाउट? सर मैंने कहा था मेरे ख्याल से हम ये एनर्जी वाला पार्ट कर चुके हैं सारा। नहीं जी नहीं, हमने बिल्कुल नहीं किया, स्कूल में किया होगा आपने शायद। सर आपने करवाया है लास्ट टाइम, कर चुके हैं सर, सच्ची में मुझे आपने भी करवाया है, मेरा पूरा ही हो चुका था ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अरे एनर्जी हो चुका है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मुझे जहां तक याद है, ओके ओके ओके, हाँ या आई ऑल्सो थिंक दैट, हाँ मैंने मैंने सोचा था कि मैं आपको क्वेश्चंस तक कराऊंगा, बट मैंने आपको ये और नहीं कराया, बट आई होप उस दिन मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके नहीं समझाया था, उस दिन सिर्फ रीडिंग रीडिंग होगी थी, मैंने आपको इंग्लिश की हिंदी करके बता दी होगी, लेकिन उतने अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया नहीं, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड जो मैंने करवाया ना, सो इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। मतलब सीक्रेट बात बताता हूँ, उस दिन मुझे नींद बहुत आ रही थी, ठीक है, सो मैं आप लोगों को करवाए जा रहा था, एंड इट इज अ टैलेंट इन मी। आप लोग चलो, आप लोग काफी टाइम से मेरे पास पढ़ रहे हो, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, देर इज अ टैलेंट इन मी कि मैं सोते सोते भी पढ़ा सकता हूँ, एंड आई एम नॉट जस्ट जोकिंग,
मैंने ऐसा सच में भी किया. I used to study Ansh. आपको तो अनमोल के बारे में पता है. सो अनमोल का बैच था एक दिन, उसमें कम बच्चे थे, उसमें 6 or 7 स्टूडेंट्स थे एंड आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी स्लीपी. सो माई आईज वर क्लोज्ड. ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा. माई आईज वर क्लोज्ड एंड आई एक्सप्लेन्ड होल पैराग्राफ एंड आई वॉज स्लीपिंग फ्रॉम माई माइंड एंड आई वॉज टीचिंग फ्रॉम माई माउथ. सो इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ टैलेंट इन मी. सो उस दिन मैंने आपको करवाया जरूर है, ठीक है, बट आई वॉज वेरी वेरी स्लीपी. ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, बट मुझे क्योंकि आई एम वेरी प्रोफेशनल इन दैट काइंड के मैंने आप लोगों को जो कमिटमेंट टाइम की दी है वो मैं आप लोगों को दूंगा. तो आई डोंट नो आप लोगों को उस दिन रियलाइज हुआ या नहीं, बट आई वॉज वेरी वेरी स्लीपी एंड इसीलिए मुझे याद नहीं है. यू नो, मैंने ये लेक्चर आज प्रिपेयर किया है, उस दिन मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया था. उस दिन जो मैंने आपको कराया ना, वो मैंने सीधी आपको इंग्लिश की हिंदी कराई है, मैंने आपको इतना समझाया नहीं है. ऐसा नहीं है कि मुझे प्रिपेयर होने की जरूरत होती है, बट मेंटली मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ. उस दिन बस मैं फ्लो में था और मैं आप लोगों को करवाता गया. ओके, सो चलिए, इट इज एन ऑकवर्ड एक्सप्लेनेशन बट स्टिल आई एक्सप्लेन्ड यू कि क्यों मुझे याद नहीं है कि मैंने आप लोगों को ये कराया. बट हाँ, मुझे इतना जरूर याद है कि हमने शायद यहाँ पे बंद कर दिया था ना, यहीं तक पढ़ा था हमने, आई थिंक यहाँ तक, है ना. ये वाला पार्ट नहीं कराया था मैंने आपको, नीचे जो थिंक इट ओवर वाला है ना. हाँ, इतना याद है मुझे क्योंकि जब बस फिनिश होने लगा था मैंने साथ के साथ ही अपना जो लैपटॉप है वो बंद किया और मैं सो गया था. उसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं थी आपकी क्लास के बाद ना, सो आई जस्ट लेफ्ट. ओके, चलो नो प्रॉब्लम, वापस आते हैं. कोई बात नहीं, दोबारा कर लो. ठीक है, आज मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप लोगों को भी लग रहा होगा आज मैं ज्यादा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एंड ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो कोई बात नहीं, कर लेते हैं. ओके, सो व्हेन अ बलून इज फिल्ड विद एयर एंड वी प्रेस इट, वी नोटिस अ चेंज इन इट्स शेप. एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट जेंटली, इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन. सो एक बलून अगर है, अगर हम उसको एयर से फिल कर देते हैं और फिर जब हम उन्हें प्रेस करते हैं तो जो शेप होती है बलून की वो चेंज हो जाती है. ठीक है, एंड एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट जेंटली, जब तक हम उसको जेंटली प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और तब तक ये सिचुएशन होती है कि जो शेप है वो चेंज हो रही है और फिर दोबारा से जो बलून है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. ठीक है, लेकिन हाउएवर इफ वी प्रेस द बलून हार्ड इट कैन इवन एक्सप्लोड प्रोड्यूसिंग अ ब्लास्टिंग साउंड. लेकिन अगर हमने जो बलून है उसको जरूरत से ज्यादा ही हार्डली प्रेस कर दिया तो ऐसे में जो एक्सप्लोडिंग साउंड है, जो ब्लास्टिंग साउंड है एक्सप्लोड की, वो भी हमें सुनाई दे सकती है. दैट मींस के जो बलून है वो फट सकता है. इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स दी ऑब्जेक्ट्स एक्वायर थ्रू डिफरेंट मीन्स दी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. अब हमने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं इन सभी में जो ऑब्जेक्ट है उसने एक काइंड का जो वर्क है उसको किया है, एक कैपेबिलिटी थी उसमें जिसकी वजह से जो वर्क है वो हो पाया है. एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी. ठीक है, वो वाला ऑब्जेक्ट जिसमें काम करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि उसके पास एनर्जी पोसेस्ड है. ठीक है, यानी कि उसके पास एनर्जी अभी एक्वायर्ड है. ओके, यानी कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम आगे यूज कर सकते हैं. द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट विच ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी. वो वाला ऑब्जेक्ट जिससे काम कराया जाए, ठीक है, वो अपनी एनर्जी को लूज करता है और वो वाला ऑब्जेक्ट जिस पे वर्क किया जाता है वो एनर्जी को गेन करता है. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि हमने एक मूविंग बॉल को स्टेशनरी विकेट से हिट कराया. ठीक है, सो एनर्जी पोसेस्ड किसमें थी? मूविंग बॉल में. ओके, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर किसमें हो गई?
स्टेशनरी विकेट में, ठीक है। सो एनर्जी लूज किसने की? बॉल ने, ठीक है। लेकिन एनर्जी ट्रांसफर किसके पास होगी? एनर्जी गेन किसके पास हुआ? स्टेशनरी विकेट के पास, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं सैंड हीप और ब्रिक के बारे में, ठीक है। सो ब्रिक जो है, ब्रिक क्या कर रही है? ब्रिक के पास एनर्जी पोसेस्ड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो ब्रिक है वो हीप के ऊपर गिरेगी, सो ब्रिक अपनी एनर्जी को लूज कर लेगी, ठीक है। एंड जो सैंड हीप है वो एनर्जी को गेन कर लेगी, ठीक है जी। क्लियर है, समझ में आया? ओके। सो जिस ऑब्जेक्ट पे जिस ऑब्जेक्ट के पास वर्क करने की कैपेबिलिटी है वो अपनी एनर्जी को लूज कर लेगा, ठीक है। और जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है वो एनर्जी को गेन कर लेगा, ठीक है जी। क्लियर है इतना? चलो, सो देन इसके बाद चलो ये भी पढ़ लेते हैं। How does an object with energy do work? An object that possesses energy can exert a force on the another object. When this happens, energy is transferred from the former to the latter. The second object may move as it receives energy and therefore do some work. Thus, the first object had a capacity to do work. This implies that any object that possesses energy can do work. So, यहां पे कहा गया है कि हाउ डज द ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। जिस ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है वो वर्क को कैसे कर पाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो उसके पास एक फोर्स होता है जिस फोर्स की वजह से वो चीजों को ड्राइव कर पाता है, या फिर कह लो कि जो ऑब्जेक्ट है उसको उससे कोई वर्क करवा पाता है, ठीक है। ऐसा कैसे होता है? When this happens, energy is transferred from the former to the latter. ठीक है? जब भी transfer of force होगा, तब जो former है, यानी कि पहले वाला जो object है, उससे जो energy है, वो दूसरे वाले object में transfer कर जाएगी. The second object may move as it receives energy and therefore do some work. अब जो second object है, क्योंकि उसको energy मिली है, ठीक है? तो वो कुछ ना कुछ काम करेगा. Thus, the first object had a capacity to do work. This implies that any object that possesses energy can do work. इसीलिए कह रहे हैं कि जो first object है, उसमें काम को करने की capacity है, ठीक है? और इसी की वजह से ये भी कह रहे हैं कि जो first object है, उसके पास energy possessed है. The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. The unit of energy is therefore the same as that of work, that is joule. One joule is the energy required to do one joule of work. Sometimes a larger unit of energy called kilojoule is used, and one kilojoule equals to 1000 joules. So energy possessed, जो कि एक object ने की होती है, उसको एक वर्क की यूनिट है उससे मेजर किया जाता है. एंड ये जो यूनिट है ये वर्क के लिए भी और एनर्जी के लिए भी सेम होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हीट एनर्जी कितनी है, उसको हम मेजर करेंगे जूल में. कोई अगर आपसे ये पूछेगा कि वर्क डन कितना हुआ, तो उसको भी हम बताएंगे जूल में. जैसे कि आप लोगों ने अभी न्यूमेरिकल्स किए ही थे, तो उसमें आप लोग क्या लिख रहे थे एनर्जी में? जूल्स ना, है ना. सो यस, जो जूल्स हैं उसको हम वर्क के लिए भी यूज करते हैं और एनर्जी के लिए भी यूज करते हैं. अब जो यूनिट है वो क्या है? जूल. जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वन जूल ऑफ वर्क. वन जूल हम तब कहेंगे जब कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो वन जूल का वर्क करेगा, ठीक है. सो कभी कभार अगर जो एनर्जी की यूनिट्स हैं वो लार्जर हो जाती हैं, तो हम लोग जूल की जगह किलो जूल यूज कर लेते हैं. एंड यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि 1 kilojoule जो है वो 1000 joules के बराबर है, ठीक है जी. सो अगर ऐसा लिखा होगा 3600 joules,
ठीक है, 3600 जूल्स, तो आप क्या लिखोगे 3.6 किलो जूल्स, है ना। अगर लिखा होगा 3000 जूल्स, तो आप क्या लिखोगे 3 किलो जूल्स, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से होगा। नाउ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम अभी करते हैं, बट अभी मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया आप एक बार वो पढ़ लो, ठीक है, एंड देन उसके बाद कोई भी आपका डाउट होता तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पढ़िए अभी आप, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स।